सो हे गाइस, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं ओशन सर्वाइवल को। तो प्ले करते हैं गेम। और मैं यहाँ पर आ गया हूँ, तो मैंने काफी कुछ यहाँ पर बदलाव कर तो दिए हैं। वैसे थोड़े बहुत मैंने यहाँ पर ये चौकोर में ये लगा दिया है, और एक मैंने चेस्ट भी बना लिया है, तो इससे कि हम अपना सारा सामान बचा सकें अगर मैं मर जाऊँ तो इस चेस्ट में मेरा इतना सामान है, ठीक है। और हमें उस वाले आइलैंड पर जाने के लिए हमें ये बनाना पड़ेगा, क्या कहते हैं इसे, शिप बे। तो इस शिप बे को बनाने के लिए मुझे बस कीले चाहिए, तो फटाफट से हम पहले कीले बना लेते हैं। तो ये रही कील, और इसे हम बना लेते हैं। आई थिंक इतना बैग काफी होगा। तो अब हम पहले अपना शिप बे बनाएंगे, ये शिप बे बना लेते हैं। और मैं ये नेट भी क्राफ्ट कर लेता हूँ, बिकॉज हमारे पास वो रिसोर्स ज्यादा हो जाएगा अगर मैं ये नेट बना लूंगा। तो इस नेट को भी क्राफ्ट कर लेते हैं। मेरे ख्याल से एक ही नेट मुझे मिलेगा शायद, यहाँ पर हम इसे लगा देते हैं। तो पहले हम अपना शिप लगा लेते हैं। शिप बे मैं सोच रहा हूँ कहाँ पर लगाऊं, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर अपना शिप बे लगा लूं। तो शिप बे कहाँ चला गई, ये रही मेरी शिप बे। तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लगाएंगे हम इसे, पलट लेते हैं ऐसे, और इसे यहाँ पर लगा देते हैं, बहुत बढ़िया लगेगा, ठीक है। तो हमने इतना बना लिया है, और अब हम इसके ऊपर देखते हैं मुझे क्या करना होगा, कैसे करेंगे इसके ऊपर। यहाँ पर हम टैप करेंगे, और इसके लिए मुझे चाहिए 15 कीले, ठीक है। तो हम पहले 15 कीले बना लेते हैं, और फिर देखते हैं इसके बाद क्या होता है। यहाँ से हम फटाफट से 15 कीले क्राफ्ट कर लेते हैं। तो शायद हमारे पास 15 कीले हो गई होंगी अब तक, अभी 14 हुई है। एक और क्राफ्ट कर लेते हैं कील, एक कील और क्राफ्ट हो गई। और अब हम अपनी शिप बे के पास जाएंगे, और यहाँ पर इसका मैंने डंडा बना लिया है। और अब मुझे रस्सी चाहिए और नेल्स चाहिए, मतलब कीले हमें ढेर सारी चाहिए। तो हम फटाफट से सारी कीले क्राफ्ट कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास कितनी 21 कीले हो गई हमारे पास। और इसके बाद मुझे अब चाहिए होगा शायद, हमें शिप के बैग के अंदर जाना है, और इसके बाद मुझे कपड़ा चाहिए और रस्सी चाहिए। तो कपड़ा रस्सी ये रही, ये तो एक रस्सी तो मुझे मिल गई है। अरे यार इसे कैसे उठाते हैं, ऐसे उठा लो, बस मुझे रस्सी नहीं मिलती है, बाकी तो रिसोर्स मिल जाता है, रस्सी मिलना मुश्किल होता है। यहाँ पर कुछ फंसा, शायद कुछ भी नहीं फंसा मेरे ख्याल से। और रस्सी मैं कहाँ पर ढूंढूं, रस्सी तो मुझे मिलती ही नहीं है बिल्कुल भाई साहब। मैं रस्सी ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ, मुझे 7 दिन हो गए हैं, और देख सकते हो मेरे पास रस्सी बिल्कुल भी नहीं है। और इन डब्बों के अंदर भी रस्सी नहीं निकलती है, बिल्कुल भी नहीं निकलती इन डब्बों के अंदर रस्सी। बस इस गेम में मुझे रस्सी ही नहीं मिलती है, बाकी सब कुछ मिल जाता है। रस्सी अगर मिल जाए तो काफी बढ़िया रहेगा, क्योंकि रस्सी से ही सारा काम होगा, और हम कुछ कर भी नहीं सकते रस्सी के बिना। तो हमारी पेट तो अभी भरा हुआ है फिलहाल। अब जब तक हमें रस्सी नहीं मिलेगी तब तक हम कुछ बना भी नहीं सकते। रस्सी हर चीज के लिए चाहिए, और रस्सी ही नहीं है हमारे पास, तो रस्सी हम कहाँ से बनाएं। रस्सी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से मिलेगी, कहीं पर भी रस्सी नहीं है। एक मुझे रस्सी दिखी, वो रही, हम इसी को पकड़ लेते हैं फटाफट से। आई थिंक रस्सी आ जाएगी, आ गई आ गई आ गई, और डब्बा भी आ गया। मुझे भूख लगने लगी है शायद, हम यहाँ से आलू खा लेते हैं। एक मिनट, मेरे पास पके हुए आलू नहीं है, इसके अंदर होंगे पके हुए आलू। सारे आलू ले, और यहाँ पर जितने भी हैं वो सारे आलू लगा दो। और यहाँ से हम पानी भी सारा ले लेते हैं, और भरा हुआ गिलास लगा देते हैं। तो पहले पानी पी लो, ये रहा पानी, इसे ड्रिंक करते हैं, और ड्रिंक करते हैं, और एक और गिलास ड्रिंक कर लेते हैं। और अब आलू खा लेते हैं थोड़ा सा आलू। ये रहा मेरा आलू पका हुआ, कितनी 52% हो गई, और 71% हो गई, और ये 100% हो गई। बस ठीक है, इतना काफी है, 100% तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते हम। गर्म पानी पीता है हमारा दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पर हम सारा पानी रख देते हैं ताकि ये फिर से बन जाए। और अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे रस्सी ढूंढ लेनी चाहिए फटाफट से। मुझे लगता नहीं है कि मुझे रस्सी मिलेगी यहाँ कहीं पर, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, मुझे काम तो करना ही है। और ये नेट तो हमारा बिल्कुल बेकार है भाई साहब, कुछ भी नहीं फंस रहा इसमें मेरे ख्याल से। एक बॉक्स मिल गया मुझे पैसों वाला, और इस पैसों का कोई यूज तो है नहीं फिलहाल। 2 रुपए देते, 2 रुपए में क्या होगा भैया, बताओ मुझे 2 रुपए में, ठीक है। यहाँ से एक और राग मिली, केवल एक ही रस्सी मिलती है, वो भी भाई किस्मत हो तब। देखते हैं कितनी रस्सी हो गई हमारे पास, केवल 7 हुई है अभी, अभी मुझे और चाहिए ढेर सारी। तब तक हम कुछ और बिल्ड कर देखते हैं, शायद मुझे कुछ यहाँ पर मिल जाए नई चीज। ये तो स्पेयर वगैरह, ये फर्नेस किस काम आएगा मुझे पता नहीं है, फर्नेस का क्या यूज है। ये हमें लेवल 14 पर मिलेगा, और ये क्या चीज है, बर्नल, ये भी हमें 14 लेवल पर मिलेगा। और फिशिंग रॉड, एक रस्सी चाहिए, और ये हम सोच रहे, मैं सोच रहा हूँ इसे क्राफ्ट कर लूँ फिशिंग रॉड को। वैसे मछली को क्या करना है पकड़ के, फालतू की चीजें नहीं बनाएंगे हम। सबसे पहले तो मुझे रस्सी चाहिए, बस रस्सी ढूंढो। एक रस्सी मिल गई, और ये दूसरी रस्सी भी मिल गई, बहुत बढ़िया। अब शायद हमारे पास 10 हो गई होंगी, अभी 9 हुई है। तब तक देखते हैं हम उन 9 का यूज कर सकते हैं या नहीं। ओके, अब हम शायद बना सकते हैं। तो मैं पहले थोड़ी सी रस्सी क्राफ्ट कर लूँ यहाँ से, ये रही रोप एक, और बस आई थिंक मुझे इतनी काफी होंगी। और अब हम देखते हैं यहाँ पर कुछ हम क्राफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक हम और बना सकते हैं, ये बना लेते हैं। और अब मुझे 2 और बनाने हैं, तो इसके लिए मुझे 5 रस्सी और 3 रस्सी चाहिए। मुझे थोड़ी सी और इकट्ठा करनी पड़ेगी, ये ले लो, और कहीं पर है एक और जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, इसे पकड़ो, बस बहुत बढ़िया। अब मैं केवल रस्सी को पकड़ूंगा, बाकी कुछ नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि बाकी चीज़ें मैं पकड़ता हूँ तो मैं रस्सी नहीं पकड़ पाता हूँ। फाइनली एक और मिली है हमें, और एक वहाँ पर है, उसे भी हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। आ जा बेटा,
और पकड़ ले। ओके शार्क आने वाली है शायद, शार्क का इंतजार करते हैं और हाथ में स्पीयर ले लेंगे अपने। अब शार्क वैसा मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी बिकॉज अब मैं इस एक्सपर्ट हो चुका हूँ इस गेम में। ऐसे ही थोड़ी मैंने 8 दिन सर्वाइव कर लिया इस गेम में। ओ शार्क आ गई, मुझे पता भी नहीं चला किधर है। ये रही, ऐसे ही मैंने सर्वाइव किया था। ठीक है फटाफट से शार्क को मारो, निकल। यहाँ पर थोड़े से साउंड इफेक्ट लगा देते तो काफ़ी अच्छा रहता वैसे। कोई बात नहीं, चलो हम अपनी वो पकड़ते हैं, क्या कहते हैं, रस्सी। 9 रस्सी फिर से हो चुकी हैं तो अब हम इसे क्राफ्ट कर लेते हैं यहाँ से। पहले हम चेक कर लेंगे कि हमें कितनी रस्सी चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा रस्सी फ़ायदा है नहीं क्राफ्ट की है। तो मुझे 3 और रस्सी चाहिए, ठीक है। तो मुझे 3 चाहिए केवल ना, तो 7 हैं हमारे पास कपड़े और इस हम रस्सी बनाएंगे। पता नहीं कितनी बन गई होगी, देखते हैं। मेरे पास 4 रस्सी आ गई है, 2 कपड़ों की 1 रस्सी बनती है शायद। तो मुझे अभी और रस्सी इकट्ठा करनी पड़ेगी, इतने में कोई काम नहीं चलेगा। ओ वहाँ पर ये जा रही है कितनी ढेर सारी रस्सी, इसे पकड़ लो। आजा बेटा मेरे पास। इसे प्यास फिर से लगने लगी, पानी पिला दो इसे फटाफट से, और पिला दो पानी बस। ठीक है तो हमारे आलू भी पककर रेडी हो गए, फटाफट से आलूओं को ले लो और इसमें आलू डाल दो। हम ऐसे ही करते रहेंगे ताकि हमारे पास कोई भी रिसोर्स की कमी ना हो। तो खाली गिलास कहाँ पर, ये रहे खाली गिलास। सबसे पहले तो अरे रस्सी पकड़ो यार, रस्सी मेरी जा रही है, आ जा रस्सी। तो सबसे पहले हम गिलास भर लेते हैं बिकॉज पानी इसका बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। ठीक है 2 गिलास भर लिए मैंने और इन्हें रख देते हैं इसके अंदर, रख दो। और मेरे पास और खाली गिलास रह नहीं गए हैं। और मेरे पैसे जा रहे, पैसे। ये अरे यार क्या कर रहा है तू, ऐसे कर। बस फाइनली हमें डब्बा मिल गया। और अब मेरे पास रस्सी कितनी है, अभी भी 8 है हमारे पास। तो अब हम अपनी शिप बे के पास जाएंगे, लेकिन इससे पहले मुझे रोप क्राफ्ट करनी पड़ेगी। तो रोप क्राफ्ट करते हैं फटाफट यहाँ पर, यानी मुझे 10 रस्सी चाहिए कुल मिलाकर, मुझे 10 रस्सी चाहिए। अब शायद हम यहाँ पर कुछ बना सकते हैं मेरे ख्याल से, देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे शिप का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, इसीलिए मैं शिप को बना रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर रिसोर्स मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, हमें आइलैंड पर ही लेना पड़ेगा सारा रिसोर्स। अब देखते हैं हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं। ये बना सकते हैं, ठीक है भाला बन गया है। अब मुझे केवल चप्पू बनाने हैं, चप्पू चलाएगा अप्पू। ठीक है तो चप्पू बनाने के लिए मुझे वुड चाहिए, वुड है हमारे पास, मेरे चेस्ट में रखा होगा वुड। वुड निकाल लेते हैं फटाफट से और फिर हम बनाते हैं चप्पू इन द पप्पू। अरे वुड है ही नहीं इसमें, मैंने सोचा वुड होगा, तो फटाफट वुड तो हम बहुत ही जल्दी कलेक्ट कर लेंगे। ये रहा वुड, देखो मिल गया मुझे, और इसके अंदर भी शायद वुड मिल जाए मुझे। वुड को ढूंढना इतना आसान मतलब है, बहुत ज़्यादा आसान, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है चलते हैं वुड को ढूंढने फटाफट से, हम वुड ढूंढ लेंगे यहीं से, मुझे मिल जाएगा वुड। ठीक है तो हमारे पास 30 वुड हो चुका है, अब हम अपनी इसे बना सकते हैं फटाफट से, बना लेते हैं इस शिपवे को। तो भाई इसे हम क्राफ्ट करते हैं और ये हमारी शिपवे क्राफ्ट हो गई है एक्सप्लोर। तो अब मुझे इसे बोर्ड में बनाने के लिए अरे इतनी सारी चीजें चाहिए होंगी। आई थिंक मेरी शिप रेडी हो गई है, अब हम इस लैंड में जा सकते हैं। एक्सप्लोर 5 हमें इसके लिए चाहिए होगी। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देना चाहिए। हम इस लैंड के अंदर जाएंगे अगले एपिसोड में। तो हमारी इतनी देख सकते हो शिप तैयार हो चुकी है पूरी शिप, अब हमें बस आइलैंड के पास जाना है और वहां पर हम खोज करेंगे क्या क्या चीजें हैं। आई होप गाइस आपको ये वाला वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हम ओशन सर्वाइवल को कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में, और अगले एपिसोड में मैं इस शिप को लेकर जाऊंगा वहां पर आइलैंड पर। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।